अब नेक्स्ट अपन एक और सवाल कर लेते हैं इसी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक मैंने लिखा आपके सामने कि ये कि मैंने मान लो एक सवाल लिखा कि देखो कोई लेट मान लेते हैं कि लेट आपका एक कोई पी एक्स है, कुछ मान लो कि एक्स की पावर 120 माइनस एक्स की पावर 115 प्लस एक्स की पावर 105 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई मान लो ये डिवाइड किया जा रहा है डिवाइडेड बाय, थोड़ा आसान सवाल कर देता हूं मैं इसको, डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस एक्स, देन कह रहा है सवाल में कि देन रिमाइंडर इज जी एक्स, कोई डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो मिला वो कितना मिला जी एक्स, इसको डिवाइड करने पे इससे डिवाइड करने पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जी एक्स मिला। तो देखो पूछा है फाइंड जी, आप मैंने मान लो पूछ लिया 10 कितना होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखो, तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हुआ है वो आप देखो जरा कि पी एक्स, देखो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप जरा सा अगर आप बनाना चाहें तो 10 सेकंड के लिए वीडियो रोक के आप 1 मिनट के लिए बना ले, सवाल का एकदम मैक्सिमम टाइम 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में आपका बन जाना चाहिए, तो 1.5 मिनट में आप चाहे तो बना सकते हैं स्टॉप करके कि हाँ ये 1.5 मिनट में कैसे बनाए। तो ये हमारे लिए पी एक्स दे रखा है और इसको डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस एक्स से, डिवाइड किससे करना है यानी डिवीजर कितना है आज हमारे लिए, डिवीजर है एक्स क्यू माइनस एक्स, मतलब एक्स कॉमन कर लिया तो एक्स माइनस वन, और मतलब एक्स कॉमन किया इसको जरा सॉल्व किया तो एक्स माइनस वन और बस एक्स प्लस वन, ये डिवीजर है। मतलब कि देखो जरा पी एक्स को लिखना होगा, अगर हमको लिखने का तरीका पता होगा तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू कुछ कोसेंट, नहीं मतलब है अपने को, डिवाइड किससे किया गया इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस कुछ, यही सवाल में रिमाइंडर के नाम पे आज जी एक्स दे रखा है, बोल रहा है कि रिमाइंडर जी एक्स मतलब ये जी एक्स हो गया, ऐसे तो अपन लोग लिख लिए ठीक है बहुत बढ़िया। क्या यहां से कोई मुझे पिछले सवाल में देख सकता है कि मैं एक बार पी एक्स के जगह पे ये वाला वन रखा था और पिछले सवाल में एक्स के जगह पे माइनस टू रखा था इसको वाला जीरो करके, तो इस बार भी वही काम करूंगा कुछ कुछ, लेकिन उससे पहले मुझे जरा इसका जरा बताएं कि ये जो है जो ये है ये डिवीजर की डिग्री कितनी है, डिवीजर इज क्यूबिक है क्या। देखो तो बच्चों देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स मतलब क्यूबिक है, देन आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा, देन बच्चों रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर जी एक्स हो जाएगा, वो कुछ आपको याद हो मैं पहले ही लिखा चुका हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं बोला हूं कि जितने डिवीजर की डिग्री उससे एक कम रिमाइंडर का डिग्री, अगर डिवीजर की डिग्री 3 तो रिमाइंडर की डिग्री 2 और मैक्सिमम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने का तरीका ये ठीक है। तो अब आगे जरा सा इसको और आगे बढ़ते कि अब इसके बाद प्रोसीड कैसे करें, इसके बाद अपन लोग प्रोसीड कैसे करें, कैसे प्रोसीड करें भाई। देखो प्रोसीड करने का तरीका जो है अपना, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब पिछले सवाल का ही बिल्कुल लॉजिक वही लगाएंगे, मैथ से लॉजिक पे चलता है, ज्यादा हमको टेंशन भी नहीं लेना है, पिछले सवाल में एक बार इसको जीरो करके ये यहाँ पे वैल्यू रखे थे, इसको जीरो करके यहाँ वैल्यू रखे थे तो इसको भी जीरो करके इस बार यहाँ वैल्यू रखेंगे, मतलब अगर हमने एक्स को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गया, तो यहाँ पे एक बार पी आप मतलब इसमें पी आप जीरो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे पहला पी ऑफ जीरो देखो इसमें रखेंगे दिख रहा होगा आप सबको, और एक निकालेंगे पी ऑफ वन क्योंकि यहां से एक्स को जीरो किया था ये वन आया, फिर दूसरा निकालेंगे पी ऑफ माइनस वन क्योंकि इसमें रखेंगे तो माइनस वन, शानदार। अब पी ऑफ जीरो देखो अब हम रख रहे हैं निकाल रहे हैं जीरो जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस टू, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस टू, आंसर आ गया पूरा टू। वन रख रहे हैं कितना रख रहे हैं अब वन रख रहे हैं तो वन की पावर वन
वन की पावर कुछ भी हो वन, माइनस वन की पावर कुछ भी हो वन, प्लस वन की पावर कुछ भी हो वन, तो वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू, कट 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 आया आपका ये भी टू, इसकी वैल्यू भी आ गई टू। अब हम रख रहे हैं माइनस वन, देखो माइनस वन की पावर 120 माइनस माइनस ऑफ वन की पावर 115, फिर आपका प्लस माइनस वन की पावर 105, फिर माइनस वन की पावर माइनस ऑफ माइनस वन की पावर 5 प्लस 2, क्या आ गया यहां से p ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, एक से एक कट गया, एक एक दो एक टोटल मिला के 4 हो गया। ठीक है, आप सबके सामने आ चुका है क्या आपका कि p ऑफ 0 p ऑफ 1 और p ऑफ माइनस 1। अब याद करो पिछले बार यही हमको तो बस यूज किए थे, इसी को तो हमने यूज किया था कि जो ये px लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है क्या qx into x into x minus 1 और x plus 1 plus rx के जगह पे gx के जगह पे gx, gx के जगह पे आज के दिन पे मैं लिख दे रहा हूं कि ax square plus bx plus c। अब जरा बताओ x बराबर क्या रख दिया जाए, 0, पहला वाला आ जाएगा p0 रखेंगे, देखो ये 0 into सब कुछ लपेट लिया 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, ये भी 0 प्लस जीरो प्लस सी, इसकी वैल्यू पी ऑफ जीरो की वैल्यू सवाल की तरफ से आया है तो टू बराबर सी, सी की वैल्यू आ गई टू, बच्चों ध्यान देना। फिर एक्स बराबर वन रख रहे हैं, देखो ये पी क्यू ऑफ वन वन, ये हो गया जीरो पूरा लपेट लिया जीरो, प्लस वहां देखो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सवाल में पी ऑफ वन की वैल्यू टू आया है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया टू, और सी की वैल्यू है टू तो ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू टू, टू से टू कट गया, यहाँ देखो एक और इक्वेशन आ गया ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये अपने पास एक और इक्वेशन आ गया। तीसरा x इक्वल टू माइनस वन रखा, देखो ये वाला इसमें x इक्वल टू माइनस वन रखा, x इक्वल टू माइनस वन रखा तो ये देखो ये यहाँ पे जीरो लपेट लिया जीरो, ये हो गया a, फिर ये माइनस बी प्लस सी, कहाँ है भाई ये एक माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस सी, यहां से इसकी वैल्यू आया है अपने पास 4, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 4, सी की वैल्यू है अपने पास 2 तो a प्लस बी इक्वल टू 4, तो यहां से आ गया बच्चों a माइनस बी इक्वल टू प्लस 2, जरा देखो तो a माइनस बी इक्वल टू कितना प्लस 2। अब अपने पास आ चुका है a प्लस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू प्लस 2, ऐड कर दिया कट गया, ऐड करते ही कट गया 2a बराबर 2, a बराबर 1, b बराबर माइनस 1, b बराबर कितना a बराबर 1, तो b बराबर कितना, ये सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैं, a माइनस b इक्वल टू 2, तो ये आपका हो गया, हाँ तो a बराबर 1 तो b बराबर सबको दिख रहा होगा, इसमें उठाकर रख दो, इसमें उठाकर किसी में इसमें या उसमें उठाकर रख दो तो a की वैल्यू आपकी 1 तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस 1, और c की वैल्यू अपने पास आ ही चुकी है 2, तो देयरफॉर जो gx हो गया, देखो बच्चों gx हो गया, gx हमने क्या लिया था यहां पे देखो लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये लिया था हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी g ऑफ 10 g ऑफ x की वैल्यू आ गई a के जगह पे 1, यानी x स्क्वायर, b के जगह पे माइनस 1 माइनस x, और c के जगह पे 2। अब इसके बाद हमसे सवाल में देखो क्या पूछ रहा था, सवाल में पूछा था जी आप 10, तो x के जगह पे हमने 10 रख दिया उठा के सवाल में, थोड़ा सा ये आप देख लो तो 10 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2, 100 माइनस 10 90 में से 2 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 92, यही इसका आंसर हो गया। मतलब जनरली यहां तक पूछता है, हमने थोड़ा एक स्टेप आगे पूछ लिया जी आप 10, कोई बड़ा सवाल नहीं है और कोई कठिन नहीं है, क्या स्टेप है इसमें फिर से स्टेप देख लो कि जो पूछा है उसको हमने एक बार लिखा और पिछले सवाल का लॉजिक ही यूज किया कि क्या यहाँ पे पुट हो रहा था ये लकीली इस बार रिमाइंडर दिया नहीं था, इस बार सवाल ने अपनी तरफ से जीरो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बोला, वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बोला, माइनस वन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बोला, लेकिन उसने
px देख के वो आपके तरफ ये इस बात का हिंट कर दिया कि आप बेटा डिवाइड करके जीरो और वन और माइनस वन का तीनों का रिमाइंडर आप निकाल सकते हो सीधे सीधे पुट करके। और वही काम यहाँ पे हमने किया है। ए का मतलब होता है जब x से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर टू आया, जब x माइनस वन से किया गया तो रिमाइंडर टू आया, और x प्लस वन से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर फोर आया। ये वही काम है जो पिछला सवाल ही है, बस कहने का तरीका बदल दिया। तो ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे सवाल है, प्रैक्टिस और कर लेना, एक्सरसाइज और सीट मिलेगी तो उससे प्रैक्टिस और कर लेना। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके आगे रेशियोज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, रेशियोज, रेशियो। टॉपिक का नाम भी मैंने लिख दिया रेशियो। रेशियो देखो, रेशियो क्या होता है, जैसे पहला बात इसका इफ ए ए बी आर सेम टाइप क्वांटिटी देन ए बाई बी जो है इसका रेशियो कहलाएगा, देन ए बाई बी इज रेशियो, ये इसका रेशियो कहलाएगा। दूसरी बात, फटाफट इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट लिखते जाते हैं। जैसे ए बाई बी है, ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका होता है, ये भी लिखते हैं ए इज टू बी। तो देखो ए इज टू बी है, ए इज टू बी एक रेशियो है। तो अगर मैं ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर बोलूं तो इसको बोला जाता है कि डुप्लीकेट कर दिया गया है, डुप्लीकेट रेशियो हो गया, डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैं ए क्यूब इज टू बी क्यूब कर दिया तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। जरा देखते रहे, अगर मान लो ए की पावर 1 बाई टू इज टू बी की पावर 1 बाई टू कर दिया तो इसका नाम होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। और अगर a की पावर 1 बाई थ्री इज टू बी की पावर 1 बाई थ्री कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये इसका आपका नाम है कुछ, ठीक है, ये आपका a बाई ए इज टू बी अगर कोई रेशियो है, ये रेशियो है तो ये आपका इनके नाम है सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। आगे थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम, थर्ड नंबर पे कि आपका ऐसे कंपाउंड रेशियो भी हो जाता है, कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो लाइक आपका a बाई बी एक रेशियो है और c बाई डी दूसरी रेशियो है। तो a बाई बी इंटू सी बाई डी मतलब ए सी बाई बी डी, ये कहलाएगा, ये वाला टर्म कहलाएगा कंपाउंड रेशियो। ऐसे ही चौथे नंबर पे आपका आता है प्रोपोर्शनेट, इसके में रेशियो में ही है प्रोपोर्शनेट। अच्छा इतना ही नहीं, चौथे नंबर पे अगर मैं लिखूं तो a बाई बी लिखा है तो सेम एज एम ए बाई एम बी, ये आप बचपन में करते आए हो, कुछ भी ये कठिन नहीं है, बस मैं आपका इसकी प्रॉपर्टीज में लिखते जा रहा हूं कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पांचवा आ जाएगा प्रोपोर्शनेट कि अगर इफ a बाई बी बराबर सी बाई डी है, दो रेशियो, दो अलग अलग रेशियो, a बाई बी और c बाई डी दो अलग अलग रेशियो हैं, तो ये आपकी बन जाएगी a बाई बी एंड c बाई डी दो रेशियो हैं, तो इसको देन वी कैन राइट इन प्रोपोर्शनेट a इज टू बी, ये आपका डबल वाला है c इज टू डी, ठीक है। क्या हमने क्या लिखा, a इज टू बी, यहां पे डबल यही प्रोपोर्शनेट का साइन है, ये रेशियो का है प्रोपोर्शनेट का है c इज टू डी। जो पता है ये वाले को बोलते हैं, जो आखिरी में दोनों है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम बोलते हैं क्योंकि एकदम बिल्कुल आखिरी में है, और इन दोनों को बोलते हैं मीन,
मेन। और यहां से एक बात चलती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये बाहर वाले का प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेम एज अंदर वाले का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन। और ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बस लिखने का मैंने तरीका बदल दिया है। ये क्लास आप बचपन से करते आ रहे हैं ये चीज कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मतलब ए इंटू डी बराबर आपका मीन मतलब बी इंटू सी। कौन मैंने नया काम किया जा रहा है, देखो तो यहाँ पे आप जानते हो ना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है ए इंटू डी बी इंटू सी, ये आपका है प्रोपोर्शनेट। जरा सा फटाफट हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद से सेम टाइम में हम फटाफट पढ़ लेते हैं आपका थोड़ा सा कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। देखो पांचवे छठे नंबर पे हो जाएगा कंपोनेंडो, कंपोनेंडो क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये प्रोपोर्शनेट के बाद ही आता है कंपोनेंडो, क्या कि अगर ए बाई बी और सी बाई डी दो एक रेशियो है तो फॉर कंपोनेंडो एक प्लस वन जोड़ दो, कंपोनेंडो के लिए एड प्लस वन बोथ साइड। क्या किया हमने, ए बाई बी प्लस वन इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, यानी ये बन गया अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं एलसीएम लूं तो ए प्लस बी बाई बी और इज इक्वल टू एस में सॉल्व करूं तो ये सी प्लस डी बाई डी, ये हो जाएगा, बस बात खत्म। सातवें नंबर पे एक और नाम आता है डिवाइडेंडो, डिवाइडेंडो ठीक है, ये कंपोनेंडो को सी डिवाइडेंडो को डी। तो ये आपका इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लो कि कोई सा एक रेशियो है या एक प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट वही सेम ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो आप ऐड कर दो माइनस वन या सब्ट्रैक्ट कर दो वन, सब्ट्रैक्ट वन, वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या हो जाएगा ए बाई बी माइनस वन सी बाई डी माइनस वन, क्या बन गया ये ए माइनस बी बाई बी सी बाई डी माइनस सी माइनस डी बाई डी, ये आपका डिवाइडेंडो कहलाएगा। और एक और नाम होता है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो मिक्स कर दिया जाए एक साथ तो इनको बोला जाता है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, मान लो कि हम एक साथ मिक्स कर दिए तो उस वाले का नाम हो जाता है सातवें के बाद आठवें कि एक ही साथ कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल, इसी को इसको सी एंड डी रूल कहा जाता है और बहुत काम का है। कि देखो क्या किया जाए कि अगर कोई सा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो इसके ऊपर अगर सी एंड डी अप्लाई करना है हमें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो, इनको और इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ये बी से बी कट जाएंगे और ये डी से डी कट जाएंगे, क्या बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब कि क्या बना, देखो क्या बना ये, यहां से यहां पे सी एंड डी अप्लाई हुआ तो क्या बन गया ये, अब देखो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ो, ऊपर में नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटाओ नीचे में, वही काम दोनों साइड करो। कई बार बच्चों से मिस हो जाता है, मिस्टेक कर देते हैं कि 2 बाई 3 पे कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो लगा के 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, अच्छा क्या कर देते हो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाओ, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। कहाँ अप्लाई होगा, अगर ऐसा लिखा है कि 2 बाई 3 और 4 बाई 6 है तो यहाँ पे भी 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 आप करो और ये 4 प्लस 6 करो 4 माइनस 6 करो, ये चलेगा, ये चलेगा, लेकिन ऐसे आपका नहीं चलेगा। यहां से ये संभव है, यहां पे सी एंड डी अप्लाई हो सकता है, मतलब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई होने के लिए दोनों साइड का होना जरूरी है। तीसरे नंबर सात आठवें के बाद मैं नाइन्थ नंबर से बात कर लेता हूं, इतने जगह में नाइन्थ नंबर है अपने पास। अगर नाइन्थ नंबर की बात करूं, ये आखिरी है इस रेशियो का, ये आपका है के रेशियो, मैं नाम देता हूं इसको के रेशियो या लेमडा रेशियो।
लेमडा रेशियो, लेमडा एक वर्ड होता है, क्लास इलेवेंथ में इसलिए नहीं जानते हो, लेकिन अब आगे इससे परिचय करवाना इसलिए मैंने नाम रख रहा हूं लेमडा रेशियो। क्या कि जहां पे जैसे मान लो कभी ऐसे आया ए बाई बी, सी बाई डी और कुछ आया आपका ई बाई एफ, ऐसे कुछ आया, मतलब जहां पे एक से ज्यादा इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे कितने इक्वल हैं, दो। अगर मान लो कभी भी एक से ज्यादा इक्वल हो जाए, दो तीन, मान लो इसके बाद एक और इक्वल हो, तो अगर एक से ज्यादा इक्वल हो तो आप क्या करो, इस पूरे को मान लो के, क्या मान लो, पूरे को के, और के मान लो इसका फायदा इस डब्बे में। देखो इसको के मानने का फायदा यहाँ पे मैं डब्बे में दिखा रहा हूं, क्यों के मानते हैं। अब ये पूरा ए को मैं लिख सकता हूं, देखो ए को मैं लिख सकता हूं कि ये लिखा है बी इंटू के, देखो ये इसके बराबर बी इंटू के। सी को लिख सकता हूं डी इंटू के। ई को लिख सकता हूं मैं, ये ई को लिख सकता हूं एफ इंटू के, मतलब हम सबको ए बी सी को ये बी डी एफ के टर्म में लिख लिए। अच्छा है तो सी को भी हम बी के टर्म में अब लिख सकते हैं, तो ये आपका तरीका है ये लिखने के लिए, ताकि इसीलिए हमने के टाइप मान लिया इसको, इसको के रेशियो बोला जाता है। टेंथ नंबर पे बोलो कि इनका रेशियो ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, अब ये आपके लिए नया चीज हो जाएगा कि सर ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, आप क्यों नया नया टर्म का यूज कर रहे हो। कोई बात नहीं, नया नया टर्म के बजाय आप इसका मेथड देखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इज सेम है। अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, जैसे ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ और कुछ मान लो कि एम ए प्लस एन सी प्लस आर ई, तो यही नीचे में भी हो जाए एम बी प्लस एन सी प्लस आर एफ, तो ये रेशियो सेम हो जाएगा, ये सारा रेशियो सेम हो जाएगा, प्रूफ किया सकता है। कैसे, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा इक्वल आया तो बराबर के मान के प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, तो ये आपकी इतनी 10 चीजें होती है, 10 बातें हो गई रेशियो में। अब ये रेशियो की बातें खत्म होती है, बस ये मैंने आपको बेसिक चीजें, इसमें इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंटो डिवाइडेंडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेमडा रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। बाकी अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब कि अब हम पढ़ेंगे लॉग की चीजें पढ़ेंगे, वो हम आपको या तो अगले दिन या आज ही, अगर हो सकेगा तो आज ही हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो अब लॉग के बारे में थोड़ा बात करते हैं।